नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। दिव्यांग पिटाई मामले पर सपा आंदोलन, सपा नेता ने जिला सोनी थाना दिव्यांग को पीटने वाले पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। सपाइयों का हुजूम देख थाना पुलिस दुबकी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह का ऐलान, न दर्ज हुआ सिपाही पर मुकदमा तो सड़क पर होगा आंदोलन। हंगामे के बाद सपा नेताओं का हुजूम वापस लौटा। आप देखें, कल ये दिव्यांग है, ये अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे अपने रिक्शा से, जो तीन पाई का होता विकलांगों के लिए। पुलिस ने इन्हें रोका और उसके बाद जब इनसे बातचीत हुई, कोई गलती नहीं थी, पुलिस मारा इन्हें, इस विकलांग को मारा, थाने में आके धक्का दिया, उसके वीडियो वायरल हुए हर चैनल, आप लोगों के माध्यम से इसे नेट मिला, नहीं तो उसका चालान हो जाता। सर, इन्होंने अभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया? प्रार्थना पत्र दे दिया, आज प्रार्थना पत्र दिया है। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि जांच सीओ साहब कर रहे हैं, सीओ साहब मुकदमा लिखेंगे। भाई, विभागीय कार्रवाई से किसी कोई गोली मार दे, विभागीय कार्रवाई होगी, निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने गोली मारी तो 302 पे मुकदमा होना चाहिए। अगर इनको चोट मारी है तो इनकी डॉक्टरी होनी चाहिए, और जो धाराएं बनती हैं 506, 504 और जो भी चोट के अंतर्गत धाराएं आती हैं, नाक में चोट लगी है तो उन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। अब सीओ साहब आज फोन नहीं उठा रहे हैं, बताइए, सरकारी फोन, मैं 10 बार फोन लगा चुका हूँ शिवरामों सीओ साहब को, फोन नहीं उठ रहा है। अभी अगर हम लोग यहीं धरने बैठेंगे तो कहेंगे उल्लंघन हो रहा है, कोरोना चल रहा है, ये है वो है, लेकिन हम इन्हें विश्वास दिलाते हैं, इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनके इन्हें न्याय दिला के हम रहेंगे। हम जाके सीओ साहब से बात कर रहे हैं, कल एसपी साहब से इस संबंध में बात करेंगे। अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, मुकदमा हमारा नहीं होता है, उसके लिए न्यायालय खुला है, हम लोग वकील भी हैं, निश्चित रूप से न्यायालय के माध्यम से उस दोषी कर्मी पे मुकदमा हम लोग दर्ज कराएंगे। सरकार की कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? सरकार की कानून व्यवस्था, इससे आपके समझ में आ जाती, दिन दहाड़े लूट हो रही, हत्याएं हो रही, और पुलिस की बहादुरी देखने को मिली। विकलांग आदमी को पीटा जा रहा है, उसे कैसे घसीट के लाया जा रहा है, कैसे थाने में धक्का दिया जा रहा है, इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस और क्या बहादुरी दिखा सकती है? बदमाशों के यहाँ तो जाएंगे, वहाँ तो उनका तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन भले आदमियों की पिटाई करते हैं, भले आदमियों को परेशान करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन नहीं, जंगल राज कायम है, जंगल राज।